हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको ये वाला तोरण डिजाइन बना के दिखाने वाली हूँ। ये हमने किस तरह से बना के तैयार किया है, बिल्कुल आसान डिजाइन है। इसके एक पेटल मैंने बनाई है और एक मैं बना के दिखाऊंगी। अगर आपको फुल तोरण बनाना है तो आप चार पेटल के लिए तोरण पट्टी बनाएं तो फुल तोरण बन जाएगा। तो तोरण पट्टी के लिए इसके कोई भी डिजाइन ले सकते हैं। अगर यही डिजाइन लेना है तो ये मैं थोड़ी सी बना के दिखा देती हूँ किस तरह से इसे बना सकते हैं। इसके लिए हम 10 चेन लेंगे। इस वाली तोरण पट्टी के लिए 10 चेन पर 8 डबल क्रोशिए से स्टार्टिंग कर लेंगे। ये मैंने 10 चेन ले ली। अभी देखिए 10 चेन पर 8 डबल क्रोशिया बनाने, दो चेन स्टार्टिंग की छोड़ के थर्ड में डाल लेंगे। तो इस तरह से 8 बना लेंगे डबल क्रोशिया। तो ये देखिए 8 डबल क्रोशिए हो गए। इसके बाद हमें 3 चेन ले लेंगे नेक्स्ट राउंड के लिए। टर्न कर लेंगे और स्टार्टिंग के 2 डबल क्रोशिए बनाने हैं। एक तो चेन वाला हो गया और एक ही हो गए 2। अब चेन ले लेंगे 5, 2, 3। इसमें 4 भी ले सकते हैं। अगर आप बीच में 4 छोड़ रहे हैं तो 4 भी ले सकते हैं। ये 4 डबल क्रोशिया छोड़ देंगे हम। 2 बना लिए, 1, 2, 3, 4 छोड़ देंगे और फिफ्थ में डाल लेंगे। इस तरह से ये आ जाएगा। फिर 3 चेन ले लेनी नेक्स्ट राउंड के लिए। तो ये इस तरह से आएगा। इसमें हम सारे डबल क्रोशिया बना लेंगे बीच में भी। जो हमने 4 डबल क्रोशिया बीच में छोड़े हैं वो 4 इसमें हम बना लेंगे और 4 दोनों साइड का बना लेंगे। तो 8 डबल क्रोशिया हैं हमारे टोटल 4। चार हो गए। 2 लास्ट के भी बना लेंगे जो कि हमें कंटिन्यू बनाने हैं। दोनों साइडों में 2-2 डबल क्रोशिए। तो ये इस तरह से आ जाएगा। तो ये इस तरह से आएगा। अब नेक्स्ट राउंड वापिस से स्टार्ट करेंगे। 3 चेन स्टार्टिंग के 2 बना लेने, फिर 4 चेन ले लेंगे और लास्ट के 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। बीच में 4 हमारे छोड़ देंगे। कंटिन्यू इस तरह से हमने तोरण पट्टी तैयार कर लेनी है। उसके बाद आप फिनिशिंग करना चाहें तो फिनिशिंग भी कर सकते हैं। मैं इसमें फूल लगाऊंगी तोरण पट्टी पे, तो फिनिशिंग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर फूल लगा रहे हैं तो बिना फिनिशिंग के भी ठीक है। अगर फूल नहीं लगा रहे हैं तो फिनिशिंग कर सकते हैं। चार हो गए बीच में और लास्ट के दोनों बना लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी तोरण पट्टी इस तरह से हमने बना के तैयार की है। अगर सेम बनानी है तो आप इस तरह से ये बना के तैयार कर सकते हैं। अब मैं आपको पेटल्स लगानी बताऊंगी ये हमने किस तरह से बनाई है। अगर आपको बराबर पार्ट करके बनाना है, देखिए ये मैंने 2 पार्ट किए थे इसके, उसके बाद मैंने ये फोल्ड कर लिया 4 फोल्ड, और जो बीच में से आया उससे वहां से हमने डिजाइन स्टार्ट किया। तो अब इसका भी हम हाफ कर लेंगे। देखिए
तो ये हमारा यहाँ पर बीच में आया है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे डिजाइन का, स्टार्टिंग कर लेंगे यहीं से। तो बराबर ही रहेगा इधर भी और इधर भी। स्टार्टिंग में 6 चेन ले लेंगे, अब 6 चेन लेंगे ये जमाने के बाद। 1 2 3 4 5 6, 6 चेन को इसमें इसी के पास में यहाँ पर ही लगा देंगे। जो हमारा बीच था वो बीच ये वाला है, और ये साइडों में हमने बनाया है। अभी चेन ले लेंगे 3 चेन लेके, और थोड़े से गैप छोड़ेंगे, ज्यादा नहीं छोड़ेंगे, 2 चेन के बराबर गैप छोड़ना है 3 चेन लेके। तो ये देखिए, अब यहाँ पर हम इस तरह से पप बना लेंगे। 1 7 टाइम बनाना है एक ही जगह पे। 2 3 4 5 6 और ये 7, सब में से एक साथ निकाल लेना है। फिर 2 चेन लेंगे, और इसमें टोटल 4 हमें बनाने हैं ये वाले पफ। 4 पफ बना लेंगे सेम ऐसे ही सर्कल में, सात एक साथ निकाल लेना है सब में से। तो 4 बना लेने, ये मैंने 4 बना लिए। अब इसको यहाँ पर जोड़ देना है, ये थोड़ा सा गैप छोड़ के, बराबर बराबर गैप छोड़ेंगे हम दोनों साइड में। 1 2 चेन ले लेने वापस से 3, और नेक्स्ट में डाल लेंगे। ये गैप हम अंदाजे से ही छोड़ेंगे, भाई बराबर बराबर रहे सब में। ये करके अब हम वापिस से यहाँ पर पप बनाएंगे। यहाँ पर 2 पप बनाएंगे, इसमें एक में ही 1 7 टाइम वाली, 2 3 4 5 6 7। दो चेन लेके और वापिस से बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, ये देखिए इस तरह से ये एक पार्ट हो गया। अब यहाँ पर बीच में हमें 3 चेन लेंगे। यहाँ ये मैंने 2 पप बना लिए, इसमें 2 चेन ली थी, इसमें यहाँ पर 3 लेंगे। 3 लेने के बाद फिर नेक्स्ट इसमें 2 पप बनाएंगे, और इसके बीच में 2 चेन लेंगे, 4 5 6 7। तो ये देखिए, ये इतना अंतर होगा, ये 2 इधर रह जाएंगे, 2 बीच में और 2 इस साइड में। इस तरह से 3 का डिजाइन हमें बनाना है। ये देखिए, ये 2 इधर बनाए, 2 इधर, 2 इधर, इधर ये 3 चेन का गैप है, बीच में हम 2 चेन का रख रहे हैं। तो ये देखिए, ये 2 2 बना लिए बीच में 3 3 के गैप से, और इसके बीच में 2 चेन का गैप है। ये बनने के बाद इसे वापस से यहाँ जोड़ देंगे, ये यहाँ पर जोड़ देंगे, फिर 3 चेन ले लेंगे जोड़ के। और थोड़ा गैप छोड़ के इसे भी जोड़ देंगे। ये
ये देखिए वापिस से बनाएंगे, इसमें दो पफ, इसी तरह सेम ऐसे ये राउंड बना लेंगे। तो ये देखिए इस राउंड में इस तरह से बनाना है, ये तीन चेन लेके इस पर जोड़ देना है, जो तीन चेन पहले की हैं इन इस पर, फिर तीन चेन लेके नेक्स्ट बनाना है। अब ये तीन चेन लेके मैंने यहाँ जोड़ दिया, इसे वापिस से तीन चेन लेनी है और इसे यहाँ पर पफ बनाना है, फिर इस तरह से ये राउंड कर लेना है। तो ये इस तरह से आ जाएगा। तो ये देखिए इसके बाद हमें ये वाला राउंड बनाना है। ये देखिए दोनों साइड का हम सेम बनाते जाएंगे, कोई चेंज नहीं करना है, बीच में चेंज करेंगे हम। तो बीच में अभी ये हमने बना लिया था, इसके बाद हम दो तीन चेन वापस से ले लेंगे, तीन चेन लेके इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये लीफ टाइप हमें बनाना है। तो इसके लिए पांच डबल क्रोशिया ले लेंगे, दो तीन चार पांच, सेम ऐसे ही इस वाले में बनाएंगे पांच डबल क्रोशिया, और दूसरी साइड में भी सेम ऐसे ही पांच पांच डबल क्रोशिया डाल लेंगे इस वाले में, और बीच वाले पर भी सेम ऐसे ही चलेगा। आगे जाके भी चेंज करना है बीच वाले को, यहाँ वन टू थ्री फोर, जो फोर राउंड हो जाएंगे, ये हमारा थर्ड राउंड चल रहा है, फोर हो जाएंगे, उसके बाद ये वाला चेंज करेंगे। पांच पांच हो गए दोनों में, अब तीन चेन ले लेनी और ये पफ बना लेने हैं यहाँ पे, सेम ऐसे ही बना लेंगे दूसरी साइड में। तो ये देखिए नेक्स्ट राउंड में हमने दो पफ बना लिए, इसके बाद जो हमने पांच पांच बनाए हैं डबल क्रोशिया सारे हम कंटिन्यू बना लेंगे। ये जो बीच वाला गैप है ये नहीं छोड़ना है, कंटिन्यू बन जाएंगे अब ये एक राउंड। उसके बाद हम कम करते जाएंगे इनको डबल क्रोशिया को, ये सेम बनेगा। तो सेम ऐसे ही हम बना लेंगे, ये देखिए चार पांच छ सारे बना लेंगे, फिर ये दो पफ, फिर यहां भी सेम बना लेंगे और फिर ये दो पफ। तो इस तरह से राउंड बन जाएगा। तो ये देखिए ये वाले सारे बना लिए दोनों साइड में, और बीच वाला भी चेंज करेंगे इस राउंड में हम, और साइड वाला ये पत्ते वाले कम करते जाएंगे। तो ये स्टार्टिंग के दो पफ बना लिए, अभी ये चेन भी हमारी बढ़ती जाएंगी, ये हमने तीन ली थी, यहाँ चार ली और अभी पांच लेनी है। तो ये पांच ले लेंगे, पांच, और ये वाला छोड़ देंगे साइड वाला, एक इसमें डाल लेंगे, ऐसे उधर भी एक छोड़ देंगे, दोनों साइड में एक एक छोड़ देंगे। ये एक छोड़ देंगे लास्ट वाला ये बना लेंगे, फिर पांच चेन लेंगे, जो दूसरी साइड में लिए उतनी हमें काउंट करके लेनी है। पांच चेन लेके इसमें हम वापस चार पफ बनाएंगे, फिर उसके भी हम तीन पार्ट कर देंगे जैसे कि यहाँ पे किए हैं, सेम ऐसे ही। एक दो
दो हो गए, दो और बना लेंगे इसी जगह पे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, एक और बनेगा। फिर पांच चेन, वन टू थ्री, तो ये इस तरह से चार पग बन जाएंगे बीच में। अब एक यहाँ पे बनेंगे, दो दो इधर, दो इधर, सेम तीन पार्ट हो जाएंगे। यहाँ जैसे हमने किए हैं ऐसे ही यहाँ भी करने हैं, बाकी कम सेम बना लेंगे। साइड में जो बनाया है कम किए हैं एक एक, इधर भी कम करेंगे, नेक्स्ट राउंड में भी कम कर लेंगे। तो ये दो राउंड बना लेते हैं फ्रेंड्स। ये एक बचा तब तक हमने बना लिया है, ये तब तक कंटिन्यू बना लेना है। और इसको ये बीच में चेन बढ़ाते जाना है, और इसकी चेन बढ़ती जानी है। अभी पांच चेन लेनी है हमें, पांच चेन लेके, पांच चेन लेके यहाँ बांध देंगे इस जगह पे। फिर पांच चेन लेंगे, यहाँ बांध देंगे, फिर पांच चेन लेंगे और ये कंटिन्यू बना लेंगे। चार चेन है, पांच कर लेंगे, बढ़ा लेंगे चेन को। तो ये देखिए, ये इस तरह से ये वाले पफ हमारे फैलते जाएंगे इस तरह से। बीच में चेन बढ़ा के लेनी है यहाँ पर। ये हमने चार ले रखी, तो अभी हम पांच ले लेंगे, पांच चेन लेके फिर ये पफ बनाने। ये सारे मैंने सेवन टाइम में ही बनाए, सभी पफ में सेवन टाइम बनाना है। तो ये देखिए, ये गैप और बढ़ गया है। इस तरह से ये बढ़ाते जाना है और ये पफ फैलते जाएंगे इधर और इधर। हमारा ये वाला डिजाइन स्टार्ट हो जाएगा। अगर पेटल बढ़ाते जाओगे तो ये डिजाइन बढ़ता जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से व्हाइट का हमारा लास्ट राउंड चल रहा है। तो ये हमने बीच में सेवन सेवन चेन लिए और इसको हमने पांच पांच चेन लेकर बांध देना है। इसके बाद फिनिशिंग करेंगे रेड कलर से। ये पांच चेन लेके जो ये हमने बनाया है, इसके पहले इसमें बांधेंगे फर्स्ट वाले में, उसके बाद वापस पांच चेन लेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, और बीच वाले में बांधेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, और ये लास्ट वाले में बांध देंगे और वापिस पांच चेन लेके पफ बना लेंगे, ये वाले लास्ट वाले। तो इस तरह से ही व्हाइट का डिजाइन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम रेड वाला लगाएंगे, फिनिशिंग करेंगे रेड की। तो फिनिशिंग हम आप डबल क्रोशिया में करेंगे, यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे बीच से। आप कहीं से भी करते हैं, दूसरी साइड से भी कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं। और बीच में हमें चार पफ बनाने हैं रेड कलर के, तो वो आगे से फूल टाइप हमें लगेगा इसलिए।
पहले हाफ डबल क्रोशिया में बनाए करेंगे। ये देखिए, ये पूरा मैंने हाफ डबल क्रोशिया किया है। इसमें मैंने थोड़ा दूर दूर बनाया है। ये देखिए व्हाइट दिख रहा है, अगर आपको व्हाइट लगता है, व्हाइट नहीं दिखना चाहिए, तो आप गहरे बना सकते हैं इस तरह से। तीन, ये देखिए इस तरह से व्हाइट नहीं दिखेगा बिल्कुल भी, और पप के ऊपर भी बना सकते हैं। इस तरह से डबल क्रोशिया या हाफ डबल क्रोशिया में कर लेंगे वो बीच तक। तो ये देखिए बीच में आ गए हैं, ये हम बनाते हुए, ये वाला हम नहीं बनाएंगे, इसमें हम चार बनाएंगे, चार पप इस वाले में। इस तरह से ये हमें फिनिशिंग करनी है, 1 2 3 4 इस तरह से काउंट करके, फिर दो चेन, 1 2 3 4। तो ये देखिए इस तरह से बीच में बनाना है, और वापिस से ये हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे किनारों किनारों पे। तो इस तरह से ये हमारा तैयार हो जाएगा बनके ना। तो पोम पोम बोल लगाई है हमने यहाँ पर, यहाँ भी लगा लेंगे और बीच में भी लगा सकते हैं, लटकन या पोम पोम बोल जो भी लगाना चाहे लगा सकते हैं। तो इस तरह से डिजाइन बना लेंगे। इस तरह से बनने के बाद हम पोम पोम बोल बना लेंगे, ये देखिए, और इसके बीच में रेड वाली थोड़ी लेंथ में लगाएंगे, व्हाइट वाली छोटी करके लगाएंगे। इस तरह से ये थोड़ी लेंथ में रहेगी, व्हाइट वाली हम छोटी लगाएंगे, बीच में भी लगा लेंगे। देखिए व्हाइट वाली थोड़ी छोटी रखेंगे रेड वाली की वजह। इसी तरह से बीच में भी बांध लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह से बांध लेने, तो ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से ही हमारा डिजाइन बिल्कुल बनके तैयार है। तो इस तरह से इस डिजाइन में तोरण बना सकते हैं आप। तो अगर ये डिजाइन पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।